आज हमने बिना चावल, बिना सूजी, बिना आटा का इस्तेमाल किए एकदम टेस्टी और हेल्दी डोसा बनाया है। ये डोसा हमने कोडो मिलेट से बनाया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं कोडो मिलेट और मिक्स दाल डोसा। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप कोडो मिलेट लिया है। इस तरह का ये एकदम बारीक बारीक आता है। जिनको डायबिटिक है उनके लिए ये बहुत ही फायदा कारक है। तो चावल के बदले में ये कोडो मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप कोडो मिलेट को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और 4 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो के रखा है। 3/4 कप मिक्स दाल ली है। इसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून मूंग दाल, 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, 2 टेबलस्पून अरहर की दाल और 2 टेबलस्पून उड़द दाल। सबको 3 से 4 बार पानी से धो लिया था और 4 घंटे के लिए इसे भी भिगो के रखा है। पहले हम दाल को ग्राइंड कर लेते हैं, दाल का पानी निकाल लेते हैं, मिक्सर जार में डाल देते हैं। 1/2 कप पानी डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बना ली है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। कोडो मिलेट को ग्राइंड कर लेते हैं। कोडो मिलेट बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लेते हैं। 1/4 कप पानी डाल के इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर दिया है। दाल के साथ इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बैटर को हमें इतना गाढ़ा रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का रखना है। ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। आलू की भाजी बनाएंगे। कढ़ाई पे 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1/2 टीस्पून राई। राई क्रैकल हो गई है, इसमें 1 टेबलस्पून उड़द दाल। धीमी आंच पे इसे थोड़ी भून लेते हैं। 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। इसके बदले में आप कच्ची चना दाल भी ले सकते हैं। कच्ची चना दाल ले तो इसे उड़द दाल के साथ में डाल के लाइट ब्राउन भून लेना है। 3 टेबलस्पून काजू का पीस, काजू का टुकड़ा किया है। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भूनेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ली है, 2 स्ट्रिप करी पत्ता की डाल देंगे। 1 कप प्याज की स्लाइस ली है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। 500 ग्राम आलू को उबाल के इसका छिलका निकाल के इसे रफली तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। मीडियम टू तेज आंच पे चला के इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लेते हैं। 1/2 कप एकदम गर्म पानी लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 कप हरा धनिया। आलू की भाजी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। रोस्टेड चना दाल और लहसुन की चटनी बनाएंगे। 1/2 कप रोस्टेड चना दाल ली है, 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 20 से 25 लहसुन की कली ली है, ये मैंने थोड़ी छोटी साइज की ली है। अगर आप मीडियम साइज की लहसुन की कली ले तो 12 से 13 ले लेनी है, डाल देंगे अंदर। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, इसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। 1/2 कप हरा धनिया लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1/2 नींबू का रस डालेंगे। अगर छोटी साइज का है तो आप एक पूरा डाल दीजिए। 1/2 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी को ग्राइंड करके बाउल में निकाल दिया है।
चटनी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के आप कर सकते हैं। डोसा के बैटर में 2 टीस्पून नमक डाल देंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, इनो। मैंने यहाँ पे प्लेन इनो लिया है। मिक्स कर लेते हैं। इसके बदले में आप 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, खाने का सोडा। तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, तवा को थोड़ा ठंडा कर लेना है। बैटर को अच्छे से चला लेना है। तवे के ऊपर बैटर डालेंगे। बीच में से राउंड राउंड घुमा के डोसा बनाएंगे इस तरह से। ऊपर थोड़ा तेल लगा लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे डोसा को कुक करेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आने लगा है। भाजी हमने बनाई है ये रख देंगे ऊपर एक साइड पे इस तरह से। फोल्ड कर देंगे इस तरह से। डोसा रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से बाकी का डोसा भी बना लेते हैं। एकदम हेल्दी डोसा रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और एकदम क्रिस्पी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।